एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी लेके आई हूँ। ये है आलू के भरूले और ये यूपी में बहुत फेमस हैं आलू के भरूले। तो ये रेसिपी मैंने आप सभी से शेयर की है, बहुत ही कुरकुरे और इतने मज़ेदार और खाने में इतने टेस्टी जो आपको बेहद पसंद आए। और ये आलू के भरूले बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो इसको हरी चटनी के साथ इंजॉय किया जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के भरूले बनाने के लिए यहाँ पर हमने छोटे वाले आलू चाहिए। ये देखिए इस तरीके के छोटे आलू, और धो के अच्छे से साफ कर लीजिएगा। आजकल मार्केट में ये छोटे वाले आलू बहुत अच्छे से मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुकर लेना है और कुकर में हम ये आलू डाल देते हैं और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें एक गिलास पानी। अब इसमें हम दो सीटी लगा लेंगे, गैस को कर लेते हैं ऑन और दो सीटी आने का वेट करते हैं। तो आलू में लग चुकी है दो सीटी और यहाँ पर हमने लिया है पालक और थोड़ा सा हरा धनिया और दो हरी मिर्च। इसमें हम डाल देते हैं गर्म पानी। मिनट हमने पालक को रख देना है। तो यहाँ पर हमारे आलू भी बॉईल हो चुके हैं और ये हमने बाहर निकाल लिए हैं और ये हमारे बिल्कुल तैयार हैं आलू। देखिए इस तरीके से दो सीटी लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमारे पालक को हो चुके थे दो मिनट गर्म पानी में रखे हुए और इसकी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इमली का पल्प लिया है और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग और इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं। तो हमारी जो चटनी है इतनी बढ़िया बन के रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये भरूले के लिए पालक वाली चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसमें मिक्सी जार में लगी हुई है चटनी, इसको धो के हल्का सा पानी ऐड कर देती हूँ इसमें और थोड़ा सा नमक। तो चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है बन के, ये देखिए बहुत ही टेस्टी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हमने आलू लेने हैं और आलू में हम डालते हैं एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी और इसमें डालेंगे हम फूड कलर। आलू के जो भरूले होते हैं वो थोड़े से रेड कलर के होते हैं। तो यहाँ पर हम डालते हैं आटा, ये हमने गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा कटोरी आटा लिया था और इसको कर लेते हैं मिक्स। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसको आटे को आलू के साथ कर लेते हैं मिक्स। तो मैं इसमें थोड़ा सा आटा वो भी डाल देती हूँ और पानी भी ऐड कर देती हूँ। अब इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स, जैसे हम आलू के पकोड़े वगैरह बनाते हैं इस तरीके से आपने आलू को और बैटर को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था। तो हमारा बैटर बन के बिल्कुल अच्छे से आलू के साथ मिक्स हो गया है और यहाँ पर डाल रहे हैं हम एक चम्मच भर के कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा डाल देंगे हम आधा चम्मच अजवाइन और इसको कर लेते हैं मिक्स। तो हमारे आलू के भरूले सिकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कढ़ाई में करते हैं तेल गरम। तो यहाँ पर हमने तेल कढ़ाई में रख दिया है पहले से ही गरम होने के लिए। और तेल अच्छे से गरम हो जाए तो आप एक ही आलू उठा के और साथ में मिक्स करते जाना आटा और साथ में बैटर भी आना चाहिए और एक एक करके सभी आलू को आपने तेल में कर लेना है फ्राई, जब तक कुरकुरा होने तक आलू अच्छे से सिक नहीं जाता। सो एक से दो मिनट में आपके जो आलू हैं एक साइड से बन के रेडी हो जाएंगे, फिर इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। तो एक से दो मिनट हो चुके हैं हमारे आलू को, तो हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपने सभी आलूओं को फ्राई करके रख लेना है और बहुत टेस्टी ये भरूले बन के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत क्रंची से लग रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक मिनट हाई फ्लेम पे इनको कुक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से बढ़िया से कुरकुरे हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं।
इसी तरीके से आपने सभी बरूलों को बना के सेक के रख लेना है। बहुत जल्दी से रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हम और भी डाल देते हैं। तो इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक सिकने देते हैं। तो यहाँ हमारे देखिए जो बरूले हैं ये भी बन के तैयार हो चुके हैं। और इसी तरीके से आपने सभी बरूले बना के तैयार कर लेने हैं और गरम गरम चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे बरूले हैं बन के तैयार हो चुके हैं और इनकी आवाज़ बहुत क्रंची है और एकदम मज़ेदार। और गरम गरम आलू के बरूले आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लेट में और कटोरी में रख लेती हूँ और इसको इसी तरीके से खाते हैं वहाँ पर। तो मैं इसी तरीके से बना के एकदम से रख ली है और ऊपर से डाल दूँगी ये चटनी। तो ये देखिए हमारे जो बरूले बन के तैयार हो चुके हैं। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।